एक वीरांगना जो महज 17 साल की थी जब उन्होंने अपने देश के लिए अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। एक वीरांगना जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते शहीद हो गई, जिनकी साहस को देखकर अंग्रेज भी घबरा गए, जिन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। उस वीरांगना का नाम है कनकलता बरुआ। नमस्कार, मैं अदिति शाह, स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा, और मैं आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है महान क्रांतिकारी वीरांगना और वीर बाला कनकलता बरुआ की, जिनके नाम पर भारतीय तटरक्षक बल ने अपने एक गश्ती पोत का नाम भी रखा है। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम कनेश्वरी देवी और पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ था। कनकलता जब 5 साल की हुई तभी उनकी मां गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता और सौतेली मां की भी मृत्यु हो गई। कनकलता अनाथ हो गई, वो बिल्कुल अकेली थी। कनकलता को अकेला देख उनकी नानी उन्हें अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। कनकलता घर के कामों में अपनी नानी का हाथ बटाती और बाकी समय पढ़ाई करती। साल 1931 में गेमरी गांव में रैयत सभा बुलाई गई थी। रैयत यानी प्रजा। रैयत सभा में कनकलता के मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस भी पहुंचे। तब उनके साथ उनकी 7 साल की भांजी कनकलता भी पहुंची। उस सभा के अध्यक्ष थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम के चर्चित कवि थे। असमिया भाषा में लिखे उनके गीत घर घर गाए जाते थे। अग्रवाल के गीतों का असर कनकलता पर खूब पड़ा। कहा जाता है कि अग्रवाल के ही गीतों ने कनकलता के मन में देश प्रेम की भावना को जगाया था। कनकलता अग्रवाल के गीतों को सुनकर बड़ी हो रही थी। देश में उस समय आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। कनकलता भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देना चाहती थी, और इसके लिए वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए पहुंची। फौज में शामिल होने के लिए उनकी उम्र काफ़ी कम थी, तो उन्हें फौज में शामिल नहीं किया गया। कनकलता देश के लिए मरने मिटने को तैयार थी। साल 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो देश के हर हिस्से से लोग इसमें शामिल होने लगे। असम भी इससे अछूता नहीं था। क्रांति की ज्वाला यहाँ भी धधक रही थी। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन ने मानो जैसे कनकलता के मन में क्रांति की नई बीज बो दी हो। कनकलता जोश से भर गई और गांधी के इस आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मृत्यु वाहिनी नाम के एक दल में शामिल हो गई। ये दल युवा आंदोलनकारियों का एक समूह था। 20 सितंबर 1942 को इस दल ने फैसला किया कि वे तेजपुर से 42 मील दूर गहपुर थाने पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। 20 सितंबर 1942 का दिन आया और तय योजना के अनुसार आंदोलनकारी हाथ में भारत का झंडा लिए निकल पड़े। करो या मरो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ आंदोलनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। इस जुलूस में एक लड़की सबसे आगे चल रही थी, और वो थी 17 साल की कनकलता बरुआ। जुलूस थाने के पास पहुंची। थाने के पास पहुंचते ही थाने के अधिकारी सामने आ खड़े हो गए और उनका रास्ता रोक लिया। थाने के प्रभारी पीएस सोम थे, उन्होंने जुलूस को रोकने की कोशिश की और वापस जाने को कहा। जुलूस नहीं मानी। जुलूस में मौजूद कनकलता ने प्रभारी से साफ शब्दों में कहा कि हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, इसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी पर कनकलता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो नहीं माना, बल्कि उसने सख्त लहजे में आंदोलनकारियों की भीड़ को चेतावनी देते हुए उनसे कहा कि अगर तुम लोग एक इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से भून दिए जाओगे। आंदोलनकारी भी टस से मस नहीं हुए, मानो जैसे उन पर उस दिन कुछ कर दिखाने का भूत सवार था। वे भी एक इंच पीछे हटने को राजी नहीं थे। करो या मरो, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा लगने लगा। आसमान इन नारों से गूंज उठा। सीना तान के आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे। इतने में एक सिपाही ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। पहली गोली कनकलता के सीने पर जा लगी, क्योंकि वो आंदोलनकारियों की जुलूस में सबसे आगे चल रही थी। गोली लगते ही कनकलता जमीन पर गिर पड़ी।
लेकिन उन्होंने भारत के तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। वे तब तक तिरंगे को थामे रही जब तक उनकी सांसें चल रही थी। महज 17 साल की उम्र में कनकलता ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनके सम्मान में भारतीय तटरक्षक बल ने गश्ती करने वाले एक पोत का नाम भी कनकलता बरवा पोत रखा है। कनकलता को असम की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। कनकलता उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी उम्र नहीं देखी, देखा तो सिर्फ देश और उसकी आज़ादी का सपना। इसके लिए वे अंग्रेजों के सामने डटकर खड़ी हुई, उनका सामना किया और भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। साहित्य तक भारत की इस महान वीरांगना को समस्त देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।